हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन जैन। आज हम बात करेंगे काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पे वापस, और एक स्टॉक लेकर आया हूँ जो 50 रुपीज़ के अंदर है। और एक साल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न दिया है, और अभी भी बुलिश ये स्टॉक है और आपको इसके अंदर अभी भी है। तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए ये स्टॉक। मैं कंटिन्यूस इस स्टॉक के ऊपर नज़र बनाए रखा हूँ और ये कंटिन्यूस जो है हाई पे हाई लगाते जा रहा है। तो 52 वीक लो देखेंगे तो 17.65 का है और 48.45 का इसका जो अभी का हाई है वो है, और आज की तारीख में ये स्टॉक 46 के करीब चल रहा है। और बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। तो मूवमेंट काफ़ी अच्छा आ रहा है, इनका लोन बुक का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है। और अभी आपने देखा होगा KBC में भी अमिताभ बच्चन जी अच्छा खासा एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, और काफ़ी मीन्स ग्रोथ इस स्टॉक के अंदर, इस बैंक के अंदर देखने को मिली है। और अगर आपके पास है तो मेरे हिसाब से लॉन्गर टर्म के लिए लीजिएगा और होल्ड करिएगा, और शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी बेहतर है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ले भी सकते हैं, और इसका जो टारगेट है वो 50 के ऊपर ही, लगभग 55-60 के करीब जो है आप चल सकते हैं। तो बेहतर स्टॉक है 50 रुपये के अंदर का, जो कि अगर आप देखेंगे, मैं कंटिन्यूस देखते आया हूँ, जब 18 रुपये पे ही मूवमेंट चलता था, फिर बाद में जिस रफ्तार से एक साल के अंदर इसने पिकअप पकड़ा है तो वो कंटिन्यूस ऊपर के तरफ ही है। तो काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी अगर आप देखेंगे तो वेरी बुलिश यहाँ पर है, और इसका अगर आप देखेंगे इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 26,000 करोड़ का है, और काफ़ी सारी ब्रांचेस भी ये कंपनी जो है खोलते जा रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं 2020 का अगर आप देखेंगे, 2020 से 2021 के अंदर तो इस स्टॉक ने काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है और कंटिन्यूस अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए। और इसके अगर आप फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया आ सके। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इनका जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पे ओपन किया है, तो आप इजीली इनका जो टोटल इनकम देखेंगे सितंबर क्वार्टर का 4081 था, जून में 4413, और इसका अगर आप प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 352, और टोटल अगर टैक्स नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 109 करोड़ का है। और अब फिर जो है रिजल्ट्स आएंगे दिसंबर क्वार्टर के, तो वो भी काफ़ी अगर अच्छे हुए तो ये स्टॉक और ऊपर काफ़ी अच्छा जा सकता है। अगर लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 2020 के पहले, 2019 में, तो टोटल इनका इनकम था 4454, और जो नेट प्रॉफिट था माइनस में था, और ये अब अगर आप देखेंगे कंटिन्यूस जो है प्लस में आ रहा है, क्योंकि ये IDFC प्लस कैपिटल फर्स्ट जो बैंक है, कैपिटल फर्स्ट दोनों मर्ज होने के बाद यहाँ पे अब एक कंसोलिडेट हुआ है, और मेरे हिसाब से लेना चाहिए इस टाइम पे। उस टाइम पे गिर रहा था क्योंकि ये माइनस में प्रॉफिट्स आ रहे थे, लॉसेस आ रहे थे, वो मर्ज होने के बाद का प्रोसीजर था, जो कैपिटल फर्स्ट का लॉस है वो भी इसमें दिखाया गया था, तो उस हिसाब से नीचे जा रहा था। और अब अगर देखेंगे तो कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड के अंदर है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगर आप लेते हैं तो लॉन्गर टर्म के लिए लीजिएगा। इसका NPA भी अगर आप देखेंगे 0.43 मीन्स कम होते जा रहा है NPA भी, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% है, और इसके अंदर FIS की होल्डिंग 11%, DII मीन म्यूचुअल फंड वगैरह की 15.72, और पब्लिक की 33% की यहाँ पे होल्डिंग है। तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ये स्टॉक चल रहा है और कंटिन्यूस ग्रोथ है। और इसके मुकाबले अगर आप देखेंगे HDFC, ICICI, कोटक और एक्सिस, ये भी काफ़ी बेहतर यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनका उनका काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है, लेकिन ये भी बनाएगा थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। तो चलिए आज इसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बोलना था। और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इजीली ऑनलाइन घर बैठे एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हैं और अच्छे शेयर लीजिए। मार्केट काफ़ी अच्छा चल रहा है, बैंकिंग शेयर्स के अंदर ये एक अच्छा शेयर है 50 रुपीज़ के अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही बोलना था, थैंक यू।